व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था, फोटो नहीं ये आप अच्छे वाले लेकिन बाप की नाफरमानी से लेकिन कई साल जमाने घूमता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो सल्ला वाला एक वली बुजुर्ग मिला, उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिली। उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी बहन है इसी की भी एक सेवनी एक फेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है उसके साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला कर अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। चिल्ला किया अल्लाह की इबादत की, 40वें दिन के बाद दो जिनात उनके कब्जे में आ गए। उन जिनातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आई, वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है कि उसने सुलेमानी टोपी पहनी। तो सात उसकी सहेली थी और आठवीं वही मरकब जमात परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई कोयकाव से, कोयकाव जो है रूस के पास से चेचनिया की तरफ रशिया में। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमात वो परी होती है ना, परी जहाँ परी को सर्दी नहीं लग रही, नहीं ना लग रही ना सर्दी नहीं लग रही, इसी वजह से तो उनका खाना नहीं बनना है। आज ही मिलो मिल जाएगी इन मनो वो बाबा देर की बचड़ा है। अच्छा तो हम लोग उसमें नहीं एक भाई जा तो सब ना बात बात।